इस वक्त इस चुनाव में आप लोग फिर से 300 का नारा दे रहे हैं, इस बार 300 पार दोबारा, क्या आपको लगता है कि यह इस बार हो पाएगा? देखिए, लोकतंत्र में जनविश्वास किसी भी राजनेता के प्रति एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में से देखा जाना चाहिए, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति उत्तर प्रदेश और देश ने जो विश्वास व्यक्त किया है 2014 में, 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर, 2019 में फिर देश ने, वह अन्य राजनेता देश की आजादी के बाद हासिल कर पाए हो दिखाई नहीं देता है। इतना प्रचंड जन समर्थन, और वह केवल मुद्दों के आधार पर नहीं बल्कि उन कार्य पद्धतियों के आधार पर जिन्होंने वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा का प्रश्न रहा हो, भारत के समग्र विकास का रहा हो, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का रहा हो, आंतरिक और बाह्य दोनों सुरक्षा के मोर्चे का मुद्दा रहा हो या आस्था का सम्मान का रहा हो, जो कभी नहीं हुआ। मोदी जी ने देश के अंदर उस प्रकार के कार्य करके आम जनमानस के विश्वास को जीता है, यही कारण है कि एक आम नागरिक का विश्वास प्रधानमंत्री जी के प्रति है, वह विश्वास आज बीजेपी को इस भारी समर्थन के रूप में देखने को मिल रहा है। और मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश 5 वर्षों में जिस जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जो कुछ भी कर पाया है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन उनकी प्रेरणा इसके पीछे रही है। और मेरा ये मानना है कि बीजेपी की उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार जन विश्वास पर खरा उतरेगी। 2017 की तर्ज पर 2022 में भी प्रचंड बहुमत की सरकार फिर से बीजेपी नेतृत्व की बनेगी और भारतीय जनता पार्टी 300 पार के अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी।